सो गाइज, आपने सेल्टॉस का न्यू फेसलिफ्ट देख लिया, आपने होंडा की न्यू एसयूवी एलिवेट देख ली, एंड आज जो हम कार आपके सामने लाए हैं, नहीं, अभी क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट में नहीं आया है। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, ये क्रेटा का न्यू एडिशन एडवेंचर है। इससे पहले आपने इसका नाइट एडिशन देखा होगा, और ये जो एडिशन आपके सामने खड़ा है, ये है क्रेटा का एडवेंचर एडिशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे इस न्यू एडिशन की प्राइसिंग, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन इसमें आती है, एंड क्या क्या फीचर्स आपको इस एडिशन में मिलते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस कार में आने वाले वेरियंट्स की। तो इस कार में टोटल दो वेरियंट्स आते हैं, एसएक्स एडवेंचर एंड एसएक्स ऑप्शनल एडवेंचर। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो एसएक्स एडवेंचर आपको कॉस्ट करता है 15,17,000 एक्स शोरूम, एंड एसएक्स ऑप्शनल एडवेंचर आपको कॉस्ट करता है 17,89,400 एक्स शोरूम, एंड यही वेरिएंट हम आपके लिए आज कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात करूं इस कार में मिलने वाले हेडलैम्प सेटअप की, तो इसमें आपको फुली एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, एलईडी डीआरएल विद एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, एंड साथ साथ आपको इस वेरियंट में फॉग लैम्प भी ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा एडवेंचर एडिशन में नाइट एडिशन की तरह फ्रंट ग्रिल को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो हुंडई का लोगो दिख रहा है वो भी पूरा ब्लैक कर दिया गया है। लोअर ग्रिल में आपको मैट ब्लैक का फिनिश देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार का फ्रंट लुक बहुत जबरदस्त लगता है, एंड ब्लैक कलर में तो ये कार और ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे इसमें एक और कलर आता है इसका, एडवेंचर खाकी कलर, वो भी बहुत अच्छा लगता है इस कार में। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। सो गाइस, बात करें साइड प्रोफाइल की, तो जैसे नाइट एडिशन में आपको रेड कलर का यूज देखने को मिलता था, इसके एडवेंचर वेरिएंट में कार को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। बात करते हैं इस कार में मिलने वाले टायर साइज की, तो इसमें आपको 17 इंच के टायर साइज मिलते हैं, एंड बात करूँ उनकी प्रोफाइल की तो 215/60 R17, एंड रेड कलर में कैलिपर भी देखने को मिल जाएगा आपको इसमें, एंड पेंडर में वही आपको एडवेंचर की बैजिंग दिखाई देगी जो बताएगी कि ये एडवेंचर वेरियंट है इसका। इसके अलावा फुल बॉडी ग्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगी इस कार में, एंड बात करूं ओआरवीएम की तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट ओआरवीएम में ही है, एंड ये ओआरवीएम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल दोनों ही है। इसके अलावा डोर्स पे भी आप ग्लाइडिंग का पार्ट देख सकते हो, एंड इसमें आपको डोर हैंडल भी ब्लैक कलर में मिलेंगे, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, एंड रूफ रेल्स भी स्पिरिट में आपको मिलती है गाइस, एंड इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो ओवरऑल साइड प्रोफाइल कार की कुछ ऐसी लगती है। अब चलते हैं कार के रियर में एंड देखते हैं कार की रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल में भी आपको एलईडी टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, ये पूरा एलईडी में दिया गया है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क पी 99 रियर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा क्रेटा की बैजिंग, हुंडई की बैजिंग, एंड इसके साथ साथ चार रिक्वेस्ट सेंसर इसके रियर में आपको मिल जाते हैं। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं इस कार का इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो गाइस, इसके एडवेंचर एडिशन में भी आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके विंडोज एंड ओआरवीएम के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, एंड एक बार आप बाहर से भी लुक देख सकते हो इंटीरियर का, पूरा ब्लैक इंटीरियर कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो पर्सनली देखने में। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, साथ साथ हेडलाइट कंट्रोल यहाँ पे, एंड ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आपको इसमें मिल जाती हैं, एंड इसमें एक रेंजर खाकी कलर आता है, एंड वही कलर आपको इसकी सीट्स में भी देखने को मिलेगा, एंड पर्सनली मुझे तो अच्छा लग रहा है इसका जो ये रेंजर खाकी कलर यूज किया हुआ है इन्होंने सीट्स में। अब चलते हैं कार के अंदर। सो गाइज, आप देख सकते हो अंदर से इसका इंटीरियर, इंटीरियर पूरा आपको ब्लैक मिलेगा, एंड कुछ कुछ जगह एसी वेंट्स के स्पेशली ऊपर आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। बात करें स्टेयरिंग की, तो डी कट स्टेयरिंग आपको इसमें मिलता है, यहाँ पे आपके म्यूजिक के एंड यहाँ पे आपके एमआईडी एंड क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर आप देख सकते हो, एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड उसके साथ एक बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसके अलावा एसी वेंट्स में आप ये ग्रीन कलर का हाईलाइट देख सकते हो, एंड इसके नीचे इंफोटेनमेंट कंट्रोल, फुली ऑटोमेटिक एसी आपको इस वेरिएंट में मिलता है, साथ ही साथ वायरलेस चार्जर, एंड इसके नीचे इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की पोजीशनिंग जो बहुत ही अच्छा लगता है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंड यहाँ से आप इसके मोड सेलेक्ट कर सकते हो, एंड इसके नीचे ही आपको इसके पार्किंग बैक, ऑटो होल्ड एंड वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट, एंड आर्म रेस्ट में कोई चार्जिंग स्लॉट नहीं दिया हुआ, बट स्पेस सफिशियंट है, बट चार्जिंग स्लॉट इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ आर्म रेस्ट में। वैसे पर्सनली इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस कार का, एंड बात करूं यार ड्राइवर साइड में, तो आपको इन्होंने कार्ड होल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइवर साइड में, एंड को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिलती है, बट कोई लाइट्स नहीं दी हुई।
एंड यहाँ पे आ जाते हैं आपके सनरूफ के कंट्रोल। पैरानोमिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिलती है एंड इस सेगमेंट में मोस्टली कार आपको पैरानोमिक सनरूफ का ऑप्शन दे रही है। बात करते हैं सीट्स की, तो यार इस सेगमेंट की कार्स की सीट्स बहुत वैसे ही बहुत कंफर्टेबल होती है। इस कार की भी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है सीट्स की, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी भी। एंड अब एक ऐसा फीचर जो मुझे लगता है हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना चाहिए अपनी कार में, वो है डैश कैम। आपको इस वेरिएंट में डैश कैम का ऑप्शन भी मिलता है, इनबिल्ट डैश कैम प्रोवाइड किया जाता है जो कि अंदर एंड बाहर दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग आपको करके देगा। एंड मैं तो बोलता हूँ अगर आपकी कार में ये फीचर नहीं आता तो प्लीज़ आप आफ्टर मार्केट इसको इंस्टॉल करें, ये बहुत ज़रूरी फीचर है ये कार के लिए आपके। सो गाइस अब चलते हैं इसके रेयर में एंड एक बार रेयर कम्फर्ट भी देख लेते हैं कार का कि रेयर में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। ओके गाइस आ गए हम इसके रेयर में एंड सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कि अंदर से कंफर्ट कितना है कार में। ओके तो सबसे पहले चीज़ कर्टन्स आपको इसमें मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। इसके अलावा सीट्स कंफर्ट काफ़ी सही है कार का, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। रियर इसीवेंट आपको मिल जाता है, 12 वाट का सॉकेट भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है आपको रियर में, अच्छा है। फ्लोर में थोड़ा सा हम्प है बट फिर भी मैनेजेबल है एंड बीच वाले बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें बैठने में बिकॉज कंफर्टेबल सीट्स है कार की। एंड इंटीरियर ब्लैक है फिर भी कार काफ़ी एयरी फील हो रहा है कार के कैबिन में बिकॉज इन्होंने रूफ ब्लैक नहीं की, इसलिए कैबिन भी काफ़ी खुला खुला लग रहा है इसका। एंड ग्रैब हैंडल के पास ही आपको एक LED लाइट देखने को मिल जाएगी इसमें, एंड तीन ग्रैब हैंडल इन्होंने यहाँ इसमें आपको दे रखे हैं इस वेरिएंट में। सो ओवरऑल रेयर सीट कम्फर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली एंड रेयर से ऐसा कुछ लगता है फ्रंट का व्यू। एंड प्रीमियमनेस दिखती है आपको इस कार में, आपको बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी प्रीमियम कार में बैठे हो। अब चलते हैं कार के बाहर एंड बाकी बातें मैं आपसे बाहर जाके करता हूँ। ओके गाइस तो एक बार थोड़ा इंजन स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं बिकॉज इस वेरिएंट में आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करूँ इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो जो इंजन स्पेसिफिकेशन है इस कार की, इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 113 BHP की पावर और 143 NM का टॉर्क आपको निकाल के देता है। सो गाइस अगर आप भी इस कार को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं शोरूम की डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नई कार के रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।